हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। आज हम घर पर ये चॉकलेट सॉस बनाएंगे जो मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है। घर पर बहुत ही कम पैसों में ये चॉकलेट बनकर हमारी तैयार हो जाएगी और बहुत ही हाइजीनिक और हेल्दी सॉस बनेगी। घर पर बनाई हुई सॉस बहुत ही अच्छी रहती है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे बनती है चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करेंगे। इसके लिए मैं एक चम्मच ये कोको पाउडर हमें किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, सुपरमार्केट में, ग्रोसरी शॉप पे, हर जगह मिल जाता है ये कोको पाउडर। एक चम्मच हम कोको पाउडर की ले लेंगे। ये पिसी हुई चीनी है, इसकी डाल देंगे दो चम्मच। हाफ टेबल स्पून मैदा डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बर्तन को गैस पर चढ़ाएंगे, गैस को सिम कर देंगे। इसमें हम एक टेबलस्पून बटर डाल देंगे, एक कटोरी दूध डाल देंगे, ये 150 ग्राम दूध है, 4-5 बूंद वेनिला एसेंस की डाल देंगे, एक चुटकी सेंधा नमक डाल देंगे। ये देखिए दूध हमारा गर्म हो गया। अब इसमें ये डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे, गैस को मीडियम कर देंगे। ये सॉस हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, जैसे कि ये आइसक्रीम के ऊपर डलती है, पुडिंग में डलती है, चॉकलेट शेक बनता है इसका, ये केक पर भी डलती है। कई तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और घर पर ये बहुत ही सस्ती बनकर तैयार हो जाती है। बाहर से हम बहुत ही महंगी कंपनियों की सॉस खरीदते हैं, तो हम इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये 6-7 मिनट हमने सॉस को पका लिया है और ये गाढ़ी हो गई है, देखिए इस तरह से। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। ये सॉस हमारी बन गई है। अब हम इसको किसी भी कंटेनर में निकाल कर फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ये ज़्यादा दिन चलानी है तो हम इसमें एक चुटकी प्रिजर्वेटिव की डाल देंगे, तो ये 6-8 महीने तक ख़राब नहीं होगी और फ्रिज में रखकर हम इसको 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी कंटेनर में डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप बेल के बटन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।